23 वर्षीय निकिता चौधरीचा अर्धवट जळालेला मृतदेह काल रात्री वाडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील सुराबर्डी परिसराच्या निर्जन स्थळी आढळून आला होता. निकिताचा मृतदेह जळालेल्या अवस्थेत असल्याने प्रथमदर्शनी तिची हत्या झाली असावी असा संशय व्यक्त केला जात होता. मात्र पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात निकिताची हत्या झाली नसून तिने स्वतः आत्महत्या केल्याचा धक्कादायक खुलासा झालेला आहे. निकिता गेल्या काही महिन्यांपासून मानसिक तणावात होती, त्यातूनच तिने आत्महत्या करण्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलले असावे असा संशय पोलिसांना आहे. निकिता मंगळवारी बेपत्ता झाली होती, त्यानंतरचे काही सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांच्या हाती लागले आहे, त्यावरून निकिताची हत्या झाली नसून तिने आत्महत्या केल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. मात्र शवविच्छेदनाच्या अहवालानंतरच या संदर्भात अंतिम निष्कर्षापर्यंत जाता येईल असे देखील पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. खासगी कारणाने निकिता मानसिक तणावात होती, त्यातूनच तिने आत्महत्या केली असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. या प्रकरणात इतर कोणाचा सहभाग दिसून येत नसला तरी तिने खोटं कारण सांगून मित्राकडून डिझेल मागवल्याची माहिती पोलीस तपासात पुढे आली आहे. नहीं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो ये बोला जा रहा है कि ये मर्डर हुआ, ये हकीकत नहीं है. एक लड़की की जली हुई बॉडी कल वाडी सुराबर्डी एरिया में पाई गई थी. उसकी ईडी की इंक्वायरी शुरू है, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ समझेगा. लेकिन जो भी तपास अभी तक की गई है, टेक्निकल तपास, उनके जो लोग संपर्क में थे उनसे बातचीत, उसके अनुसार अभी तक जो हमारी फाइंडिंग है ये एक आत्महत्या का प्रकार दिख रहा है. लेकिन फिर भी पीएम रिपोर्ट की हम वेट कर रहे हैं. पीएम रिपोर्ट आने के बाद 100% श्योरिटी के साथ बताया जा सके. सर, जली हुई बॉडी मिली है, फिर आत्महत्या का कनेक्शन क्यों? कोई नहीं, इन वो एक सुसाइड करने के लिए वो वहाँ उतने दूर जाएगा? अभी तक जो भी तपास, मैं आपको बताया तपास प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, बट अभी तक जो भी बातचीत फोरेंसिक टीम से, डॉक्टर्स से, सीसीटीवी फुटेजेस पे, मृतक के मोबाइल फोन्स की से चौकसी और उनके संपर्क में आने वाले लोग और जो लोग संपर्क में थे उसके अनुसार ये आत्महत्या का पता दिख रहा है. मिसिंग की तकरार आरपी राणा प्रताप नगर में रात को 11 बजे दाखिल हुई थी परसों, उसके बाद उसकी तपास शुरू थी और अभी फाइनली ये डेड बॉडी कल मिली है. लेकिन प्राइमा फेसी अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक सुसाइड का प्रकार दिख रहा है. सुसाइड का कारण कुछ पता चल पाएगा? कुछ व्यक्तिगत कारण से लड़की थोड़ी सी मानसिक तौर पे थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड थी, ये अभी तक प्राइमा फेसी समझ में आया. सुरुचि परिवार की ओर से आप सभी को हैप्पी होली. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.